बेशक लोग हर धर्म का सत्कार करन दियां बड़ियां बड़ियां गल्लां तां जरूर करदे ने, पर फिर भी आए दिन सिख धर्म नूं निशाना बनाया जा रहा। कुछ दिन बाद कोई ना कोई बेअदबी की घटना सामने आ ही जाती है, जिथे हले तक सिख संगत बेअदबी और गोलीकांड मामलों इंसाफ लैण लई जद्दोजहद कर रही है, उत्थे ही कैप्टन साहब भी बेअदबी और गोलीकांड के दोषियों नूं डक्कन दियां बड़ियां बड़ियां फड़ा मारदे ने। पर इस सब के बावजूद लगातार सामने आ रही बेअदबी दियां घटनावां रुकण दा नाम नहीं लै रही। ताज़ा मामला जिला तरन तारण के अधीन पिंड करियाला का, जिथे बीते कल गुरु की बाणी लोगों के पैरों च गलियां दे विच रोली गई। जी हाँ, करियाला के गुरद्वारा राय जंगा के नज़दीक कुछ अणपछाते व्यक्तियों वालों देर रात गली च तीन गुटका साहब सुट्टन का मामला सामने आया। गुरद्वारा साहब विखे हर रोज मत्था टेकन आउंदी औरत प्रीतम कौर ने दसिया कि जदों वह सवेरे गुरद्वारा साहब मत्था टेकन आ रही सी तां गली च तीन गुटका साहब सुट्टे हुए सी, जिसकी जानकारी गुरद्वारा के ग्रंथी नूं देण तों बाद गुटका साहब नूं आदर सन्मान नाल चुक के गुरद्वारा साहब लिआंदा गया। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਪਏ ਜੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਦਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਗੁਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤਿੰਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੁਖਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੋ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੌਣੇ ਸੱਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ देखो इस बाबत की कहना है गुरद्वारा दे ग्रंथी सुरजीत सिंह दा। मेरा नाम सुरजीत सिंह है जी। की गल हुई है जी? गल इस तरह हुई है, मैं तो सवेरे आण के इत्थे नितनेम करन डिया हां गुरु साहिब दे, ते संगत आई है बाहरों ते उन्हां बाहर गली च पए वेखे गुटके, तो ये गु साढ़े गु गुरद्वारे के गुटके नहीं गए पासों की आपके कोलों लिया के सुट के गया गुरद्वरे के पिछले पास गली के संगत फट के लिया। संगत ने दसिया मैंने की तरह गुटके बहर पे ने कि गुटका साहब जी? तीन गुटका साहब ने जी। तो मुड़ के मैं प्रबंधकों को दसिया, प्रबंधकों ने मुड़ के आन के फिर अगली कार्रवाई की जी। की कितने पे से गुटका साहब? गुटका साहब गुरद्वारे की पिछली साइड गली गली पे सर। गली पे? हाँ जी। कोई अंग भी पाटे? नहीं अंग नहीं कोई पाटा जी, गुटका साहब है उस तरह ही ने, पर बेअदबी की गई सुट गई गली। उधर जद इस बाबत पुलिस चौकी करियाला के इंचार्ज सरबजीत सिंह नाल गलबात करनी चाही तां उन्होंने कैमरे के अगे आने तो साफ इनकार कर दिता। हालांकि दसिया जा रहा कि प्रीतम कौर के बयान के आधार पर अणपछाते व्यक्तियों खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। इस मौके सत्कार कमेटी आगू भाई रणजीत सिंह का की कहना, देखो। वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। वाहगुरु दास सत्कार कमेटी पंजाब रणजीत सिंह उद्योगे, जो अज घटना करियाले के नगर में गुरद्वारा साहब राजा जंग वो बाहरली साइड से जो गुटका साहब कंधे नाले को रखे गए हैं वो जान बुझ के बेअदबी की गई है। यानी कि ये इत्थे नहीं, कई थावां ते भी ये बेअदबियां हो रही, पर हो सिखा दे गुरद्वारा साहब ते ही गई। पर अहीं तां हुण इत्थे जदों पहुंचे आ, चलो गुटका साहब उस तरह गंदे नाले को रखे गए आ, ये रखे जान बुझ के आ। कुछ लोग जो धर्म परिवर्तन कर रहे उन्होंने घर ही गुटका साहब पे आ, जो कि उन्होंने बहुत गलत नियम दिते जाते, नियम समझाया जाता वो तरीके, वो गुरु साहब के जेडे ये गुटका साहब वो तरीके वो रख के की मांग करते पुलिस प्रशासन? असं ये मांग करते जी उत्ते एफ आई आर कटी जाए, उत्ते प्रशासन उस बंदे नू सामने लिया जाए, उत्ते 295 ए दी धारा लगे, जो कि सारे छरियां पता लगे कि प्रशासन ने कुछ करके विखाया है। इस करके साड़ी यो बेनती है, वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की।
चकदे टीवी नाल जुड़े रहने लई साडा चैनल सबसक्राइब करो। वीडियो सब तो पहला देखने लई बैल आइकन ते क्लिक करना ना भुल्यो।